चलिए फिर रिलायंस की 46 AGM कंक्लूड हुई और पांच की हाइलाइट्स नीरज जी और आपका व्यू जाऊंगा उसके बाद जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और जो कल सबसे बड़ी हेडलाइंस बनेगी सक्सेशन प्लान करेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट वो है मुकेश धीरूभाई अंबानी पाँच साल तक चेयरमैन रहेंगे और अगले पाँच साल वो ग्रूम करेंगे ईशा अंबानी अनंत अंबानी और आकाश अंबानी तीनों को बोर्ड में शामिल किया गया और जैसा मुकेश अंबानी कह रहे थे उनको वो दिन याद आ गया जब वो 20 साल के थे और उनको बोर्ड में धीरू भाई ने इंडक्ट किया था और तो ये पहली की हेडलाइन और नीता अंबानी बोर्ड से स्टेप डाउन कर रही हैं लेकिन बोर्ड मीटिंग्स में वो परमानेंट इन्वाइटी के तौर पर रहेंगी और ये सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के हिसाब से जियो एयर फाइबर इसको लॉन्च किया जाएगा गणेश चतुर्थी के दिन ना तो ऑस्पिशियस डे चुना है उन्होंने ये दूसरी बड़ी हेडलाइन तीसरी बड़ी हेडलाइन थी रिलायंस रिटेल को लेकर जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ का एक उनका कस्टमर बेस इस समय बन चुका है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर रिलायंस रिटेल के लिए चौथी बड़ी हाईलाइट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर जहां पर ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट आ चुकी है ब्लैक रॉक के साथ और आगे इंश्योरेंस स्पेस में लेकर और बाकी स्पेस में लेकर बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी ये एक बात कही गई है और फाइनली पांचवी जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट थी क्लीन एनर्जी को लेकर एक गीगा फैक्ट्री 2026 तक और 100 गीगावाट एनर्जी 2030 तक करने का लक्ष्य तो ये इस समय नीरज जी जो मैंने नोट